हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट इंटरैक्शन ऑब्जर्व्ड इन द इकोसिस्टम, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस इन द करेक्ट सेट ऑफ द आंसर्स। राइट, तो बेसिकली इकोसिस्टम में जिंदा रहने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए, इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इकोसिस्टम साइकिल कंप्लीट करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। राइट, उसे इंटरैक्शन बोलेंगे। वो किस लिए इंटरैक्शन करना पड़ेगा? या तो फिर फूड के लिए, या तो फिर हैबिटेट के लिए, या तो फिर प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म की नेसेसिटी है बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। राइट, तो उससे ही इंटरेक्शन से इकोसिस्टम कंप्लीट होगा, साइकिल जो इकोसिस्टम है वो चलेगा। राइट, और बैलेंस बना रहेगा एनवायरनमेंट में। राइट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेगा ए बी सी एंड डी में। राइट, यहाँ पे हमें फर्स्ट जो दिया है वो है फीड एंड वास्प। राइट, तो वास्प जो है वो क्या करेगा? पोलिनेट कराएगा फिग का इन्फ्लोरेंस। राइट, तो उसके बदले में फिग वास्प को क्या क्या देगा? उसके जो डेवलपिंग सीड्स है वो ऑफर करेगा। राइट, तो ये कौन सा इंटरेक्शन हुआ? म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म। राइट, दूसरे में जो है वो है सी एनेमोन। सी एनेमोन जो है, राइट, उसके साथ क्या करेगा? जो क्लाउन फिश है वो रहेगी उसके अंदर। कहाँ पे रहेगी? एट द लीव नियर द माउथ ऑफ सी एनेमोन। कौन? क्लाउन फिश। इसको क्या बोलेंगे ये रिलेशनशिप को? कॉमेंसालिज्म। राइट, तो क्लाउन फिश इसके नियर रहेगी तो सी एनेमोन उसे क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट द प्रीडेटर्स। राइट, तो यहाँ पे ए में क्या आएगा? ए में आएगा क्लाउन फिश। राइट, नाउ सेकेंड वन। सेकेंड वन जो है वहां पे हमें बी इज टू क्या दिया है? बार्निकल। राइट, बार्निकल जो है वो बेसिकली क्या करेगा? उसे एक तो फूड फाइंड करने के लिए किसी के साथ चिपकना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। राइट, तो वो क्या करेगा? वेल जो है उसके साथ चिपक जाएगा। राइट, और उसके साथ वो क्या करेगा? जो भी फूड है वो फाइंड करेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। राइट, तो बी में क्या आएगा? वेल आएगी। राइट, और यहाँ पे क्या है? प्लांट्स एंड ग्रास हॉपर। राइट, ये सबको पता है कि ग्रास जो है वो क्या करेगा? ग्रास हॉपर खाएगा। राइट, तो उसमें भी वो एक दूसरे के साथ कॉमेंसलिज्म में है। राइट, थर्ड वन इज सेक्यूलिना एंड क्रैब। राइट, सेक्यूलिना एंड क्रैब। राइट, तो ये जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिलेगा वो कैसा होगा? पैरासाइटिक होगा। कैसे? जो सेक्यूलिना जो है, फीमेल सेक्यूलिना, वो इम्प्लांट करती है इनटू द मेल क्रैब। राइट, क्या करेगा? मेल क्रैब में इम्प्लांट होगा और उसके जो हार्मोन है उसके साथ इंटरफियर करेगा। राइट, हार्मोनल बैलेंस को क्या करेगा? इंटरफियर करेगा और उसे स्टराइल करेगा। राइट, तो उसका जो बॉडी, क्रैब का बॉडी जो है वो चेंज हो जाएगा, रिसेम्बल्स इनटू द फीमेल, जो मेल का है वो। राइट, तो यहाँ से इसे क्या मिलेगा? एग्स मिलेगा फ्रॉम द क्रैब। राइट, तो वो उसे पैरासाइटिक बोलेंगे। राइट, दूसरे में हमें यहाँ पे क्या दिया है? सी एंड ह्यूमन। राइट, तो ह्यूमन में कौन सा आएगा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडिया ये है ह्यूमन। आप सबको पता है, राइट, जब ह्यूमन को मॉस्किटो जब बाइट करेगा, राइट, तो क्या करेगा? साइकल है वो ह्यूमन के ब्लड के अंदर बनेगा। राइट, तो यहाँ पे हमें पैरासाइटिक
जो रिलेशन देखने को मिलेगा, राइट। और फोर्थ में क्या है, कैट एंड माउस, उसमें क्या है, प्रे एंड प्रे कौन है, माउस है, राइट। उसको कौन ईट करेगा, कैट ईट करेगी, राइट। तो यहाँ पे माउस वन टाइप ऑफ प्रे है और कैट जो है वो फूड के लिए माउस पे डिपेंडेंट है। और यहाँ पे जो दिया है ग्रिजली बियर और डी, राइट। तो ग्रिजली बियर किस पे डिपेंडेंट होगा, राइट, वो डिपेंडेंट होगा सालमोन पे फॉर द फूड, राइट। तो यहाँ पे प्रे प्रेडेटर का जो रिलेशन है वो बनता है, राइट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो है सी, क्लाउनफिश, वेल, प्लाज्मोडिया एंड सैल्मन। होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।